पार्थशर समाचार और खेल सेना मंडल प्रस्तुत करते हैं चंद्रपुर का सबसे बड़ा चैलेंज पार्थशर डांडिया चैलेंज। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। दिनांक 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रोज शाम 6 बजे से इंडस्ट्रियल स्टेट ग्राउंड होटल मयूर के सामने मूल रोड चंद्रपुर पर, जहां आप जीत सकते हैं रोज के हजारों के इनाम और फाइनल में लाखों के पुरस्कार। साथ ही परिवार के साथ आनंद लें एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी स्टॉल्स का, न किसी जाति का, न किसी धर्म का और न किसी राजनीति पार्टी का। ये डांडिया है सबका। मुफ्त डांडिया क्लास, स्पॉन्सरशिप, स्टॉल्स या प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आज ही संपर्क करें राजेश नायडू, मोबाइल नंबर 8669098703। पार्थशर डांडिया चैलेंज दिनांक 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रोज शाम 6 बजे से इंडस्ट्रियल एस्टेट ग्राउंड होटल मयूर के सामने मूल रोड चंद्रपुर पर। महाराणा रिजॉर्ट, राई डैम रोड, वडौली ताडुबा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। द बेस्ट प्लेस फॉर योर हॉलीडेज इज नाउ बिकम ऑफिशियल हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फॉर मिस्टर मिसेस एंड मिस इंडिया कॉस्मॉस 2024। ब्यूटीफुल एम्बियंस सराउंडेड बाय नेचुरल जंगल ब्यूटी, लग्जरियस एंड कंफर्टेबल फैमिली रूम्स, ब्यूटीफुल टेंट्स, डेलीशियस वेज एंड नॉन वेज फूड, स्विमिंग पूल एंड रेन डांस, आइडियल फॉर ताडुबा जंगल सफारी, एनी पार्टी, फैमिली आउटिंग एंड अदर ओकेजन्स। महाराणा रिजॉर्ट वेलकम ऑल द फाइनलिस्ट ऑफ मिस्टर मिसेस एंड मिस इंडिया कॉस्मॉस 2024 इन द इंटरनेशनली फेमस टाइगर रिजर्व जंगल ऑफ ताडुबा। कॉन्टैक्ट नंबर 9822029709, 9822029711, 9822029722। विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल पर दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को बड़े बयान जारी किए हैं, जिस पर उनका अजीत पवार कैबिनेट की बैठक पर कहना है कि अजीत पवार कई बार कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने वित्त विभाग में अनुशासन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सारे काम टूटे हुए अनुशासन से हो रहे हैं। बिना पैसे के जीआर निकाले जाते थे, ये फैसला लिया जा रहा है, प्रतिशत की गणना करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने सवाल भी किया कि अदित दादा को कहा जाना चाहिए, जिस तरह से उनके लोग जा रहे हैं वैसे उससे वे परेशान हैं। वहीं बीजेपी नेता अजित दादा को राय साइड करने के लिए कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, भले ही हम कुछ सीटों पर या 2-3-4 बार हारे हों, हमें देखना होगा कि शरद पवार समूह की ताकत बल्लारपुर से कितनी है। कांग्रेस को वहां लड़ना चाहिए, जब हम हार गए तो स्थिति अलग थी, अब अलग है। उन्होंने बोला कि क्रीमी लेयर को 15 लाख तक सीमित करना बिल्कुल बकवास है, हम चुनाव को देखते हुए किया गया है। क्या अब तक दिमाग खराब हो गया था? अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ओबीसी का वोट पाने के लिए निर्णय लिया गया है और ये केवल एक राज्य है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार की सिफारिश है। मला वाटतं की अजित दादांना कुठं जावं हा त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु ज्या पद्धतीनं त्यांची माणसं निघून जात आहे त्यावरून ते अस्वस्थ तर आहेतच, आणि महायुतीमधील विशेष करून भाजपा नेत्यांचं जे काही भाष्य आहे ते अजित दादांना साईड ट्रॅक करण्यासाठीच आहे हे आत्ता तरी दिसते आहे। आता तो महायुतीनी कोणाला घेऊन लढावं हा त्यांचा प्रश्न आहे। ते नाना पटोलेजींनी असं म्हटलं मी ऐकलं नाही। हो, काल म्हणजे ज्या जागा काँग्रेस 15-20 वर्ष हरत आहेत त्या जागांवर पवार गट दावा करत आहेत, बल्लारपूरची जागा जी सुधीर मुनगंटीवार आहे त्यांच्या विरोधात अजितदादा गट आक्रमक झालाय, तिथे उमेदवारी मागत आहेत? नाही नाही, असं आहे विदर्भात काँग्रेसची ताकद आहे, आम्ही 3 वेळा हरलो असेल, 2 वेळा हरलो असेल, 4 वेळा हरलो असेल, तिथे राष्ट्रवादीचा किती ताकद आहे यावरून तो निर्णय होईल। केवळ आम्ही हरलो म्हणून ती जागा देण्याचा प्रश्नच नाही, आम्ही हरलो म्हणून 4 वेळा जागा सोडावा असं होत नाही। हिंगण्यामध्ये तशीच परिस्थिती आहे, परंतु आपण त्यावर जात नाही, आपण मेरिटवर जातो। जिथे काँग्रेसची ताकद आहे तिथे काँग्रेसने लढावं, तो 2 वेळाची परिस्थिती वेगळी होती।
2014 वेगळी परिस्थिती होती, 2019 वेगळी परिस्थिती होती, आता ती परिस्थिती बदलली आहे आणि विदर्भ हा काँग्रेसमय झाला आहे पार्लमेंटच्या निवडणुकीमध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे. नितेश राणेंनी काल म्हटलं की मुख्यमंत्री भाजपवाल्यांना लाज वाटत नाही, आमच्या घरावर मोर्चे काढतात का, तर ते चंद्रपूरच्या राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील जे काही घटना घडली त्यावर मला आता लाज वाटायला पाहिजे की त्यांच्या घरावर मोर्चे आम्ही हे असं कृत्य करत नाही. नीच कृत्य त्यांना करणं जमतं, ते सगळं घाण कृत्य नीच कृत्य ते प्रकार आहे. आणि राहिलं आहे राज्यात मुली कुठे सुरक्षित आहे, लाडकी बहीण म्हणून पाट थोपताना महिला आणि मुलींचं संरक्षण कुठे आहे, रोज अत्याचार होत असताना गुरखाचा डोळे बंद करू नये, मुख्यमंत्री इव्हेंट करण्यात व्यक्त आहे व्यस्त आहे, महाराष्ट्रातली कायदेशीर खड्ड्यात गेली, महिलांचं सुरक्षा किंवा महिलांचं संरक्षण करण्यामध्ये यांना काही आनंद नाही. थँक्यू भाऊ. माना पालाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी दिने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का, परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट आसवानी परिवार की ओर से चंद्रपुर वासियों के लिए एक और लज्जतदार भेंट. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट में शानदार आउटडोर गार्डन सेटिंग के साथ आप पा सकते हैं लग्जरियस एसी फैमिली सिटिंग हॉल. अतीत की यादों के रिक्शे के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक से एक फोटोग्राफी पॉइंट्स, स्वादिष्ट वेज नॉन वेज खाने के साथ उत्तम सर्विस का वादा, बर्थडे पार्टी बीसी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए उत्कृष्ट स्थान, मित्र और परिवार के साथ पधारकर एक बार सेवा का अवसर जरूर दें. आप बार बार आएंगे. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट लोहारा पीएचसी और अंकित पेट्रोल पंप के पास लोहारा मूल रोड चंद्रपुर. बुकिंग के लिए संपर्क करें 9518554308.